नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुनीत सैनी और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश न्यूज़। हरियाणा विधानसभा चुनावों का दंगल पूरी तरह से तैयार है और सभी राजनीतिक दलों ने अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार चुके हैं और अब देखना ये होगा कि कौन सा उम्मीदवार कहां से बाजी मारता है। तो हम मौजूद हैं पंचकुला विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ पर हमारे साथ शामिल हैं जननायक जनता पार्टी से जो उम्मीदवार अजय गौतम जी। इनसे हम जानेंगे कि क्या ये जनता के बीच में गए और इन्होंने क्या जाना कि जनता क्या चाहती है और ये मुकाबले में कहाँ पे हैं। तो हम जानते हैं, चलिए। इस समय मुकाबला दिग्गजों में है और जननायक जनता पार्टी कहाँ पर है इस समय? जननायक जनता पार्टी ने ग्राउंड लेवल पे काम किया और चौधरी देवीलाल जी के काम को कोई भुला नहीं सकता। किसानों के लिए जो उन्होंने काम किया है, हरियाणा की जनता के लिए जो उन्होंने काम किया, उसी को दुष्यंत चौटाला जी आगे बढ़ा रहे हैं और उन्हीं को हम लोग आगे लेके जा रहे हैं। तो हम पार्टी इसमें काफ़ी फाइट में रहेंगे और सीट भी निकालेंगे। ठीक है सर, INLD और जननायक जनता पार्टी अलग हुए हैं तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि चौधरी देवीलाल जी जो हैं उनकी जो विचारधारा थी बंट गई है तो वोटर भी उस हिसाब से बंटे हैं, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपको भी पता है, मीडिया में सारा कुछ देखते हैं, INLD का वजूद नहीं है कोई भी और सारी INLD बिखर के नहीं BJP में चली गई है। BJP की हम कहें बी टीम है अभी INLD, तो उन्हीं के लिए वो काम कर रहे हैं। तो जो चौधरी देवीलाल जी का वोट बैंक था वो अभी जजपा के साथ है और दुष्यंत जी के साथ है। बाकी सर, यहाँ से पंचकुला विधानसभा क्षेत्र से और भी दिग्गज मैदान में हैं और बाकी पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं और जीत चुके हैं और आप पहली बार चुनाव लड़ने हैं, तो इसमें आप क्या देखते हैं कि जनता के बीच आप जाके क्या कहेंगे, किन मुद्दों पे बात करेंगे आप? देखिए, आप और भी कैंडिडेट्स के पास गए और देखे होंगे बड़ा तामझाम लेके चल रहे हैं, लेकिन वो जनता से उतना ही दूर हैं। ये जनता तय करेगी कि एक ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ता को या पार्टी के उम्मीदवार को उन्होंने वोट देना है या फिर वो बड़ी बड़ी कोठी वालों को देना है। आपने देखा, मैं 2 बेडरूम सेट में रहता हूँ और ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ और सिंपल खुद ही घर का सामान परचेज करके लाता हूँ। तो ऐसे ही लोगों को आज की डेट में जनता चुनना चाहती है जो कि जनता का दुख दर्द समझें। बाकी तो बहुत बहुत दिग्गज बैठे हैं, कोठी के सामने कुत्ते बिठा रखे हैं, वो ना डायरेक्ट मिल सकते हैं ना बात कर सकते हैं उनसे। उनके लिए बीच में भी उन लोगों को कोई ना मीडिएटर चाहिए होता है, तो उससे अब जनता का दिल उब गया है और वो ज़मीन से जुड़े ही लोगों को वोट देंगे। धन्यवाद सर। तो ये मेरे साथ थे जननायक जनता पार्टी से उम्मीदवार पंचकुला विधानसभा क्षेत्र में अजय गौतम जी। तो अब देखना ये होगा कि ये भी मैदान में हैं और दिग्गजों के साथ मुकाबला कैसा होगा इनका। धन्यवाद। कैमरामैन मंदीप गौतम के साथ मैं हूँ पुनीत सैनी, अर्थ प्रकाश न्यूज़। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश TV को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।